Hello everyone, how are you? I hope you all are enjoying a very good health. So, in today's class, I have come with a class which is related to United Nations. So, my dear, तो आज की जो क्लास है ये जीके की क्लास है मेरी और इस क्लास में मैं आपको जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स होंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो जनरली मैक्सिमम जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैंने कोशिश की है मैक्सिमम फैक्ट्स जो इस यूएनओ से रिलेटेड है मैंने वो यहां पे रखे हैं और मैं इन्हें आपको एक इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ये एक क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व संस्था है और इस विश्व संस्था जो बनी है इसका एक मेन एम है और वो क्या है, पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापित करना। क्या स्थापित करना, शांति स्थापित करना, शांति के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। तो सबसे पहले हम इसकी बैक हिस्ट्री की बात करेंगे, इसको बनाने का रीजन क्या था। यू नो, आपने देखा कि वर्ल्ड वार, अब तक दो वर्ल्ड वार हुए हैं जो इस पूरी दुनिया ने देखे हैं। तो पहला वर्ल्ड वार फर्स्ट जो कि 1914 से 18 तक 4 साल चला था और उसके बाद वर्ल्ड वार सेकंड 1939 से 45 तक हुआ था, है ना, 45 तक, यानी कि 6 साल तक चला था पहला वर्ल्ड वार जो कि 4 साल चला और दूसरा वर्ल्ड वार 6 साल चला था। इस वर्ल्ड वार में वर्ल्ड के 70 कंट्री थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, कितने, 70 देश थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और वर्ल्ड की 10 करोड़ सोल्जर्स फ्रॉम आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, आर्मी नेवी और एयरफोर्स के 10 करोड़ सोल्जरों ने इस वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था जिसमें मरने वाले सोल्जरों की संख्या कितनी थी, लगभग 5 से 7 करोड़, एग्जैक्ट फिगर नहीं है हमारे पास में, लगभग 5 से 7 करोड़ सोल्जरों की डेथ हुई थी। यू नो, उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था एफडी रोजवेल्ट, यानी कि फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इस सेकेंड वर्ल्ड वार का जो मेन जिम्मेदार कंट्री ठहराया गया पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी ने वो जर्मनी को ठहरा था, यू नो, और इस युद्ध का अंत हुआ जब अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 सिटीज थे हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के इन दोनों शहरों पे जब पहली बार, पहली और अंतिम, अभी तक परमाणु हथियारों को यूज नहीं हुआ, पहली और अंतिम लास्ट बार इन्हीं दो शहरों पे अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया, एटम बॉम्ब गिराए और इन दोनों शहरों को कब्रिस्तान बना दिया था और इसी के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और इसी के साथ 1945 में 8 अगस्त 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद लेकिन एक चिंता फिर भी थी कि कहीं अगर ऐसे वर्ल्ड वार होते रहे तो फिर ये पूरी जो अर्थ है, पूरा जो ब्रह्मांड है, इस पे जो रहने वाली जनता है वो कितने समय की है, हैं? इसी तरीके से लोग खत्म होते रहे तो वर्ल्ड के जो मेजर कंट्री थे जिसमें यूएसए, चाइना, फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड, जो मोस्ट पावरफुल कंट्री थे उस समय के, इन 5 देशों के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे तो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया अमेरिका के प्रेसिडेंट एफडी रोजवेल्ट ने। एफडी रोजवेल्ट के सजेशन पे एक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इस संघ की रचना हुई, इस संघ को स्टेबलाइज किया गया था। तो यह सजेशन किसका था, एफडी रोजवेल्ट का था। तो एफडी रोजवेल्ट ने इस संघ की रचना की और इस संघ के लिए यूएन चार्टर, एक चार्टर तैयार किया गया, एक शर्त तैयार की गई कि भविष्य में इस प्रकार के किसी भी एक
मतलब ग्रेट वार को रोकने की कोशिश की गई और अभी तक ये यूएन इस तरीके के ग्रेट वॉर को रोकने में सक्षम हुआ है और सही साबित हुआ है ना। तो 26 जून 1945 यानी 26 जून 1945 को एक चार्टर तैयार किया गया, उस चार्टर पे साइन किया गया और उस समय वर्ल्ड के 50 देशों ने इस चार्टर पे साइन किया। चार्टर यानी क्या है, चार्टर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएन, यानी कि इस पे यूएनओ की सारी शर्तें लिखी हुई हैं और उसको लागू किया गया 24 अक्टूबर 1945 को, उसको लागू किया गया 24 अक्टूबर 1945 को, यानी कि यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 से अपना काम करने लग गया। बहुत सारे काम करता है यूएन पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, लेकिन यूएन का जो मेन और अल्टीमेटिव एम होता है वो क्या होता है, वर्ल्ड पीस, पूरे वर्ल्ड में शांति बनी रहे। तो हमारा भारत इसका फॉर्मिंग मेंबर है, स्टार्टिंग मेंबर है। जब यूएन बना था तब 50 देशों में भारत शामिल था और उसके बाद जो पहला देश 55th नंबर कंट्री जो बना था 55 वो था पोलैंड। कौन था, पोलैंड देश था, 51वां देश बना था पोलैंड। इसके जो प्रेजेंट नेशन है, प्रेजेंट में यूएन के जो मेंबर है वो 193 है, टोटल नंबर ऑफ कंट्री विच इंक्लूड इन यूएन 193। परमानेंट मेंबरों में जो इसकी परमानेंट सदस्यता है उसमें 5 देश आते हैं जो वर्ल्ड के सबसे सुपर इकोनॉमी है, सुपर पावरफुल कंट्री है, तो इसमें हम कह सकते हैं यानी कि यूएसए, अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, रशिया, फ्रांस, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। यूएन का जो हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर, वो कहां है, अमेरिका के कैपिटल सिटी वाशिंगटन में, कहां पे है, वाशिंगटन में है। और ये वाशिंगटन शहर वो है जो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन, उन्हीं के नाम पे शहर का नाम रखा गया वाशिंगटन। इसकी जो लैंग्वेजेस है, यूएन की लैंग्वेज, यूनाइटेड नेशन की लैंग्वेज 6 लैंग्वेज हैं, 6 लैंग्वेज। तो उन लैंग्वेजों में जैसे एक होती है इंग्लिश, चाइनीज, रशियन, फ्रेंच और उसके साथ साथ एक अरेबिक और एक स्पेनिश, एक अरेबिक और एक स्पेनिश, 6 भाषाएं होती हैं, है ना, यानी कि इंग्लिश, चाइनीज, रशियन और फ्रेंच और उसके साथ अरेबिक और स्पेनिश, ये 6 भाषाएं होती हैं। इसकी जो वर्किंग लैंग्वेज है, वर्किंग जो काम होता है वो फ्रेंच और इंग्लिश, किसमें काम होता है, वर्किंग लैंग्वेज है फ्रेंच और इंग्लिश, 2 भाषाओं में काम होता है फ्रेंच और इंग्लिश। अब यूएन के अलग अलग पार्ट हैं, है ना, जिनको क्या बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ या ऑर्गन्स ऑफ यूएन बोलते हैं। तो ये ऑर्गन्स हैं जनरल असेंबली जीए, सिक्योरिटी काउंसिल्स, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स, ट्रस्टीशिप काउंसिल्स, सेक्रेटरिएट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इसके ऑर्गन्स होते हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल्स, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स, ट्रस्टीशिप काउंसिल्स, सेक्रेटरिएट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो कैसे, जनरल असेंबली, इसके जो 193 मेंबर हैं वो जनरल असेंबली में आते हैं। इसकी हर साल एक मीटिंग होती है सितंबर मंथ में, जिसमें दुनिया के सभी जितने भी इसके मेंबर देश हैं सारे देशों को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होता है और किसी भी प्रॉब्लम पे डिसीजन लिया जाता है जनरल असेंबली में। तो वो डिसीजन है, कोई भी रेजोल्यूशन जो पास होता है वो टोटल मेंबर के 2/3, टोटल मेंबर के 2/3 मेंबर से पास होता है, 2/3, है ना, 2/3 सदस्यों से कोई भी रेजोल्यूशन जनरल असेंबली में पास होता है। अब आता है नंबर सेकंड, सिक्योरिटी काउंसिल्स। सिक्योरिटी काउंसिल्स क्या है, एक तरीके की पूरे वर्ल्ड को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये काउंसिल्स बनी हुई है। इसके टोटल मेंबर्स होते हैं 15, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं, परमानेंट वो यूएसए, इंग्लैंड, चाइना, रशिया, फ्रांस, और 10 होते हैं नॉन परमानेंट।
ये 10 नॉन परमानेंट होते हैं वो हमेशा 2 साल के लिए चुने जाते हैं और 2 साल बाद इनका फिर से इलेक्शन होता है ना, 2 साल बाद इनका फिर से इलेक्शन होता है, फिर नए 10 चुने जाते हैं और ये किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनरल असेंबली के द्वारा। सिक्योरिटी काउंसिल के जो 10 मेंबर है किसके द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स, इसका काम होता है पूरे वर्ल्ड में ये इकोनॉमी सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यू पे काम करता है। इकोनॉमिक एंड सोशल पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज पे काम करता है, यानी कि अर्थव्यवस्था पे, समाज व्यवस्था पे और पर्यावरण व्यवस्था पे काम करता है। इसके टोटल मेंबर कितने हैं, 54 हैं प्रेजेंट में, जो जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। इसके द्वारा जनरल, और ये 3 साल के लिए चुने जाते हैं, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए। अब आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो बना था स्टार्टिंग में 10 यानी 11 ऐसी टेरिटरीज थी जो किसी देश के कंट्रोल में थी, यानी 7 नेशन थे जिनके कंट्रोल में थी और वो थी 11। तो अक्सर विवादित एरिया थे ये, तो इस विवादित एरियाओं की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनी। और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो प्रेजेंट में ये नाउ सस्पेंडेड है, यानी कि आज के टाइम पे ये वर्किंग में नहीं है। सेक्रेटरिएट क्या होता है, सेक्रेटरिएट यानी ऑल द स्टाफ्स ऑफ यूएन, यूएन का जो स्टाफ होता है उसे सेक्रेटरिएट बोलते हैं, जिसके हेड होते हैं सेक्रेटरी जनरल। कौन होते हैं, हेड होते हैं सेक्रेटरी जनरल। प्रेजेंट में जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो ग्यूटर्स, कौन है, एंटोनियो ग्यूटर्स। और अगला जो छठवां ऑर्गन से वो आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कहां पे है, हेग में है, हेग जो कि कहां पे है, नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में है ना। ये वर्ल्ड कोर्ट कहा जाता है जो कि स्टेबलाइज हुआ था 1920 में। कब हुआ था, 1920 में, यूएन से भी पहले। और इसमें 15 जज होते हैं, कितने होते हैं, 15 जज होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं किसके द्वारा, जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल्स के द्वारा, जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। एंड दीज जजेस आर इलेक्टेड फॉर द 9 इयर्स। फॉर हाउ मेनी इयर्स दीज जजेस आर इलेक्टेड, दीज जजेस आर इलेक्टेड फॉर द 9 इयर्स। ओके, सो इन दिस क्लास आई ट्राई टू क्लियर आउट ऑल द फैक्ट्स फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर ऑलवेज आस्क्ड इन द डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो दीज आर द फैक्ट्स, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मोर एंड ट्राई टू रीड इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।